हम जिस तरीके से काउंट करते हैं ना उस हिसाब से लाइक प्लेयर्स डायनेमिज्म अपना चेंज कर रहे थे एंड दैट वाज हैपनिंग अराउंड शेल्टर एरिया बट शेल्टर के साइड में ही साइडलाइंस में अगर आप देखें तो मिल्टा मिल्टा पार इंपॉर्टेंट बन जाता है तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं सो so, शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए चैनल पे लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को मेरे सोशलस आप लोगों को ऑन स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां पर आप लोग आ सकते हैं सो लेट्स एक्चुअली बिगिन नाउ If we just you know, talk about all these things and if we just you know uh, uh, go to the websites and all So first we are going to and that's going to be about the circle shifts देखो अगर आप जोन की बात कर रहे हो दिस इज आवर एंगल एंड मीरा मार्ग का ई स्पोर्ट्स एक्चुअली गोज एंड ई स्पोर्ट्स के अंदर जो डिले आपको पता है जो यू you नो know, पहला सर्कल आपका बनता है नाइन्टी सेकेंड्स के बाद उसके बाद तीन सौ सेकंड मतलब पांच मिनट का वेट टाइम होता है उसके बाद आपके पास अगला जोन बनना शुरू होता है वगैरह वगैरह ऐसे आपके पूरे जोन का वेट टाइम रहता है एंड जोन का मूवमेंट टाइम, टाइम रहता है कितने कितनी देर में मूव करते हैं डैमेज रहता है इसके अलावा बाकी चीज़ों पर आप ध्यान उतना ना दें तो ठीक है एक्सेप्ट फॉर अगर आपको जोन का डायमीटर वगैरह देखना है वो आपके अपने चीज के लगेगा उसके अलावा यही सब चीजें रहती है

मिल्टा पार एंड मिल्टा फैक्ट्री एक्टली यहां से हम मिल्टा की बात करेंगे कि मिल्टा पे आप कैसे जा सकते हो सो फॉरवर्ड टू दस एंड चीजें वाली पहला ये कि ये जो जगह है यहाँ पर आपको ठीक ठाक लूट मिल सकती है ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक लूट मिल सकती है अगर आप चाहें तो एक आदमी के लिए तो बहुत सफिशियंट लूट हो जाती है एंड uh, उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पर यहाँ पर से आपको तीन लोगों की लूट काइंड kind ऑफ of मिल सकती है अगर आप वैसे खुद को सिचुएट रखना चाहते हैं तीन लोगों के हिसाब से आपको डिसेंट सी लूट लाइक मिलने को हो सकती है सो या नाउ कम्स डाउन टू रोटेशंस अब रोटेशंस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अगर आप देखें ऑब्वियसली ये एरियाज काफी दूर है बट मैंने सोचा कि अगर यहां पर मिल्टा पार से कोई टीम आ रही होती तो वो कैसे खुद को रोटेट करवाती क्या चीज करती

एक गाड़ी आपको थोड़ा सा यहाँ के आसपास मिल सकती है एंड एक व्हीकल आपको यहां मिल जाता है नाउ आर की फैक्टर्स दैट यू कैन जस्ट नो गो फॉर इन द अब देखो ये जगह थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि अगर इट्स इट्स काइंड ऑफ अ लेसर चांस के जोन कभी फाइनल सर्कल यहां पर बनेगा राइट right? बहुत लेस चांस है बट होता है चांस बट लेस चांस मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कभी कभी सर्कल्स नीचे जा रहे होते हैं आपके और अगर जोन ऐसे में नीचे जा रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप यहां से रोटेट करोगे बहुत सारे लोगों को हमने देखा मिल्टा के नीचे से रोटेट करते हैं ताकि वो ब्रिज पहले होल्ड कर सके जो एक अच्छा स्ट्रेट है ब्रिज पहले होल्ड करना है तो आप मिल्टा से फाइट लेते हुए नहीं जाओगे मिल्टा के ऊपर से नहीं जाओगे क्योंकि आपको यहां पर लोग मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी तो आप शोर लाइन से सीधा एंट्री लेते हो ब्रिज के ऊपर विच इज अ अट स्ट्रैट डिपेंड्स अगर बीटीआर आपके अगेंस्ट है तो कासा uh, अगर सर्कल नीचे है बीटीआर बिकम्स द फर्स्ट टीम जो यहां से नीचे जाती है ये बीटीआर का रहता है बट नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस एरिया एंड रोटेशंस सो रोटेशन वन इज शोर लाइंस एंड होल्डिंग द ब्रिज उसके बाद गन फाइट पे कंटेस्टेशन है डिपेंड करता है कि आप कैसे कंटेस्ट करोगे सेकंड थिंग पीपल ट्राई एंड जस्ट यू लुक फॉरवर्ड टू अ बोट हियर एंड बोट हियर Way, recently, अभी अभी थोड़ी पहले एक, uh, आई है, है।, है तो तो रिसेंटली uh, अभी ना टॉक मोर द सेकेंड थिंग सेकेंड रोटेशन की अगर हम बात करें बोट रोटेशन होती है दे आर काइंड ऑफ वर्दी बट नॉट एक्जैक्टली वर्दी डिपेंड करता है अगर आपने लॉबी को अच्छे से पढ़ाया लॉबी में आपको पता है कि नो रेपनोए के एरिया के आसपास uh, भी यू नो टीम्स होती हैं तो ऐसे में अगर आप यहाँ से रोटेट करना शुरू किया और आप नोवर अपनो आए तो आप शायद ही पहुंच पाओगे दिक्कत उससे पहले हो सकती है सो तो वो आपको देखना पड़ेगा सेकेंडली जो यहाँ की बोट्स वगैरह रहती है उससे लोग करते हैं रोटेशन ब्रिज के नीचे से एंड दे ट्राई एंड रीच हेर विच टाइम्स डिपेंड करता है सर्कल अगर एग्जैक्ट मिलिट्री बेस ना बन के ऊपर बन रहा है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये रोटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये हो गई सदर्न रोटेशन अब अगर हम बात करें थोड़ी नॉर्दर्न रोटेशन की तो उसमें दो तीन चीजें आती हैं पहला सर्कल अगर ऐसे बन रहा है दूसरा सर्कल अगर ऐसे बन रहा है Uh, दूसरे वाले को एक्चुअली डू इज़ मैं इसको कर दूंगा ब्लू कलर में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा येलो जोन जो येलो जोन आप देख पा रहे हो ऐसे में आपके प्लेयर्स यहां पर थे आपने गाड़ी ली है आप जा रहे हो आप मिल्टा पर फाइट ले सकते हो बट मिल्टा पर भी फाइट आप ऐसे नहीं लोगे वट यू वुड वॉन्ट इज आप ये वाले घरों को लेना चाहोगे पहले ये वाले घरों से आप नीचे इन वाले घरों तक तो आना चाहोगे एंड देन आप इस साइड का कंट्रोल लेने की कोशिश करोगे एंड कुछ नॉक्स के बाद आप इधर रश करना चाहोगे जो है ये वाला एरिया

फर्स्ट ले ले। गए और फिर मिल्टा वाली टीम ने आप पे बैक किया, जब आप किसी और फाइट में दिक्कत हो सकती है तो फिजिबल ऐसे में हो सकता है कि आप ये वाली फाइट लाइक देखिए कैसे आपको ये वाली फाइट लेनी है so is, आपने पहले मिल्टा की फाइट ली सेम स्ट्रैट यहां पर आए ये जगह यहां से ये स्काउट किया ये जगह ये पूरा एरिया होल्ड किया एंड देन यू स्टार्ट मूविंग आउट एंड यू 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 जस्ट नो स्ट्रेट अप गो गो फॉर फॉर इट ऐसे थिंग कैन इज इफ टू आपको अगर आगे जाना तो आप सीधा जोन के एज पर ना रुक के ट्राई करो थोड़ा सा अंदर रुक सको थोड़ा सा फिजिबल एरिया पर फिजिबल एरिया कैन बी समथिंग लाइक दिस फिजिबल एरिया कैन बी समथिंग लाइक दिस ऐसे एरिया पर रुकने की कोशिश करो पोचिंग के तक जाना जरूर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपको बीच में टीम्स देखनी पड़ेंगे तो आपको थोड़ा लाइक घूम के रोटेट करना पड़ेगा बट दिस इज वट द गेम्स गैम्बल इज ऑल अबाउट राइट इस गेम में आपको आप आप ये गेम अगर हम बोले हाँ बैटल रॉयल है बट आपकी हर एक मूवमेंट कंट्रोल होती है जोन से you you can be the proess of the pros if the zone is supporting you you can uh, you know just choke down if the zone is not supporting you you might be having 20 kills in the game but if the zone the support nikki usi second finish so this game obviously just you know goes around the circles and circular shifts और ये दो बहुत बेसिक शिफ्ट हैं जो आपको हमेशा देखने पड़ेंगे वही अगर जोन इधर है या जोन इधर है बहुत बेसिक शिफ्ट बहुत बेसिक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया काइंड ऑफ क्रूशन इससे बन जाता है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ही देख के जाना पड़ता है ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे लाइक like, किधर से कैसे मूव करें ये ये सारी चीजें सारी चीजें ना बहुत ज्यादा पका देती हैं किसी ना किसी को सो दिस इज जस्ट हाउ इट इज So uh, once again, if you guys uh, would you know need any help, mm -hmm. upload people can send screenshots your screenshots on Instagram. उसके अराउंड हम लोग अराउंड कर सकते हैं कैसे ट्राई करना है कल मेरे को कुछ कमेंट्स आते हैं एक ही मेटा है आपको एक ही डायरेक्शन की फाइट लेनी है लिपोफ है सेम डायरेक्शन मिलता है same, like, एक, अगर नीचे तो भी एक ही डायरेक्शन आपको पीछे के एरियाज की फाइट नहीं लेनी है यू आर द वन जो सबसे पीछे हो तो आपको बैक स्टेप की गुंजाइश कम है until, unless, आप जोन के अंदर जाते जाते अपने पीछे पोटेंशियल सिटी को नहीं देखा आपने आप जोन के अंदर चले गए यहाँ बैठे हो मे बी एंड कोई पीछे से आने वाले आपको दिक्कत अदरवाइज दे दे। नहीं होता है एरिया so, uh, अगर मैं बोलना चाहूँ बाकी आप लोग बता सकते हो आपको और किसी जगह के बारे में यू नो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जरूर बताना मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली स्टे तो गाइस